आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर समीप स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पैथोलॉजिकल लैब का उद्घाटन आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर अस्पताल के सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। बता दें कि इसी साल 17 अप्रैल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नेताजी सुभाष ग्रुप का 650 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुभारंभ किया गया। इस ग्रुप का यह दूसरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। पहला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना के बिहटा में संचालित हो रहा है, जहां विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवा और कुशल डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। वहां इस साल से पीजी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। उद्घाटन के मौके पर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए भविष्य में वरदान साबित होने जा रहे हैं। जिस प्रकार की सुविधाएं कम दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह सराहनीय है। वहीं नेताजी सुभाष ग्रुप के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि इस लैब के खुल जाने से यहां हर तरह की क्लिनिक जांच शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हर तरह की जांच दूसरे अस्पतालों एवं लैब की तुलना में आधे से भी कम कीमत में होगी। तो मेरे ख्याल से आदित्यपुर के लिए वरदान है और आने वाला समय इसकी उपयोगिता यहाँ के लोगों के लिए अपने आप सिद्ध होगी। और मैंने देखा है कि यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ कम पैसे में बहुत ही अच्छा इलाज किया जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है और मजदूरों के लिए फैसिलिटीज है आपका क्लिनिकल साइड का, जैसे डेंगू मलेरिया टाइफाइड आपका HbA1c शुगर फास्टिंग PP लीवर किडनी हार्ट हर तरह का टेस्ट आपके पास। उसका रेट मार्केट में भी मान लीजिए कि 5000 है तो यहाँ 2000 में वक्त इतना कम है। लोगों का रुझान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कल जितना भी लोग आते हैं वो सभी सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बेबी भी एक दिन दो दिन पहले हुई है और हम लोग हर मामले में अब काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है और सबसे तो हमारा मेंबर ही 18000 यहाँ 7000 यूनिवर्सिटी 11000 स्कूल के बच्चे 18000 बच्चे यहाँ जुट गए, उनके फैमिली जुट गए हैं। यदि कोई इंसिडेंट उनके साथ होता है तो सबसे पहले हमें खुशी है कि उनका इलाज हम करते हैं अपने मेंबर्स का, इसके बाद और लोगों का मौका मिलेगा।